लिसनर्स वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग. ये है बेस्ट फाइव का सेगमेंट और आपको पता है बेस्ट फाइव में हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट होता है, बहुत नामवर होता है, बहुत रिनाउंड होते हैं. आज भी हमारे पास एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपना नाम जो है टोटली अपने बलबूते पे बनाया, बहुत मेहनत से बनाया. उनको देख के बहुत सारे लोगों में कुकिंग का शौक आया, बल्कि मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि कुकिंग को तो खवातीन से रिलेट किया जाता था. उनको देख के मर्द हजरात को भी शौक हुआ कि वो भी कुछ कुकिंग करें. और क्या नाम है उनकी, क्या बात है उनकी. और हम वेलकम कर रहे हैं शेफ राहत को. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. मैम आपके, आपको तो यू आर वेरी इंस्पिरेशनल फिगर फॉर लॉट ऑफ पीपल. थैंक यू. आपको देख के बहुत लोगों ने कुकिंग करना सीखा है और आई एम श्योर आपने बहुत बार सुना होगा, कितने लोगों ने आपको आके कन्फेस किया होगा कि आपकी वजह से हमने कुकिंग शुरू की. जी बिल्कुल. क्या बात है भाई, इतनी इज्जत किसी को दुनिया में मिले तो कैसा फील होता है मैम? बहुत अच्छा फील होता है. और मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए बहुत ही अच्छा मौका है. ऐसे तो हमें हर वक्त करना चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी नेमत कि इंसानों में आप अच्छे जाने जाएं और अच्छा काम करें, तो मेरा ख्याल है कि जितने भी लोग हैं इस बात को एग्री करेंगे कि अगर अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा है और डेफिनेटली उसके ज़िम्मे काम हैं, तो शायद मेरे ज़िम्मे अल्लाह ताला ने यही काम रखा था कि मैं इस तरह से काम करूँगी तो लोगों के काम आएगा. क्या बात है, क्या बात है. ये आपको अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया. जी बिल्कुल. क्या बात है. अच्छा मैम, आज हमारा, हमने पोल का एक सवाल किया हुआ है. हाँ. हमारे व्यूअर्स से, और वो लोग आके इसका जवाब भी दे रहे हैं. हाँ. तो हम आपसे भी पूछेंगे. एंड सिंस आप जो हैं, आप बड़ा एक्सपर्ट ओपिनियन आने वाला है हमें यहाँ से. वैसे मैम हमारे पोल का जो सवाल है वो ये है कि क्या घर में मासी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे सवाल तो बेहतरीन है. हाँ मैं ये कहूँगी कि अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है और उसमें खातून खाना जो हैं वो उनके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है तो होनी चाहिए. अगर आपकी फैमिली में चार पांच लोग हैं और हाँ बच्चा अगर घर में है, छोटा बच्चा अगर है और जिम्मेदारी भी है घर में ज़्यादा, तो होनी चाहिए. अदरवाइज मैं फेवर नहीं करती. अदरवाइज आप फेवर नहीं, बिल्कुल नहीं करती. क्योंकि अगर कोई सिर्फ कपल रह रहा है या घर तीन चार लोग हैं, हाँ तीन चार लोग हैं या बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं इतने के 10 साल के अंदर हैं, 10 साल के बाद तो बच्चा बड़ा हो गया ना, लेकिन 10 साल के अंदर अगर वो है तो मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए. इसलिए कि ख़वातीन बहुत लेज़ी हो जाती हैं, वो दूसरी चीज़ों में ज़्यादा आ जाती हैं, नेगेटिविटी आती है लाइफ में और गॉसिपिंग में आ जाती हैं. इन सारी चीज़ों से बचने के लिए घर का काम, और घर का काम अपने हाथ से किया जाए वो बहुत ज्यादा बेहतर होता है. सैटिस्फैक्शन भी होती है, एक सफाई का भी एहसास रहता है कि हाँ हमने सफाई से किया है. सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका माइंड बिजी रहता है. माइंड बिजी रहेगा, फिजिकली तो आप बिजी हैं बट माइंड आपका अगर बिजी है तो उससे आपके माइंड में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें फालतू रहने से जो आती हैं वो नहीं आएंगी. आप यही प्लान करते रहेंगे, अरे यार अभी तो मुझे ये करना है, मुझे अरे सफाई करनी है, अरे नहीं अभी तो सबने नाश्ता किया, मुझे अभी टेबल को क्लीन करना है, सब चीज़ें हटानी है, किस चीज़ को मुझे फ्रिज में रखना है या किस चीज़ को मुझे डिस्कार्ड करना है, बर्तन धुलने हैं, ये सारी चीज़ें होनी है, तो कहाँ फुर्सत है. माइंड तो कॉन्स्टेंटली बिजी चल रहा है. मैम कुछ लोग होते हैं, कुछ खवातीन, अब हर तो सारी खवातीन तो हाउस वाइफ नहीं है ना, वर्किंग लेडीज भी हैं, पार्ट टाइम भी करती हैं, तो उनके लिए हम लोग कह सकते हैं कि दे कैन हैव अ मासी, बिकॉज़ उनके से कहते हैं कि टाइम उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है. अगर देखो मासियों का टाइम तो मॉर्निंग में होता है, अब खातून तो चली गई काम पे, घर बंद है या घर में दूसरे लोग हैं तो चलो ठीक है वो करवा सकते हैं, जैसे पेरेंट्स हैं या उनके इन लॉज हैं जो भी हैं, तो सास ससुर होते हैं, जाहिर है कि वो तो नहीं कर पाएंगे. वो उनसे काम कहना नहीं करते, उनके तो एक्स्ट्रा काम करने पड़ जाते हैं. खुशनसीबी है, पता है, ये भी खुशनसीबी, खिदमत का मौका. हमारे पास एक कॉल है जी, अटेंड करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. गुड हेल्दी मॉर्निंग मिस्टर अली, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक. मैं शेफ राहत से पूछना चाहूंगी कि पहले माशाल्लाह से 5 डेज अ वीक होती थी, अब वो क्यों इतनी ज्यादा उन्होंने अपने आप को लिमिटेड कर लिया है, और दूसरा ये कि उनकी अब क्या रूटीन है कि जिसकी वजह से वो टीवी पे नहीं आ रही. अच्छा नहीं आ तो रही है.
ज्यादा नहीं आ रही है, आ रही है लेकिन ठीक है, चले हम इनसे पूछते हैं। अच्छा आप हमारे कॉल का, लो जी वो तो फोन उन्होंने रख दिया, चले जी डजंट मैटर। अच्छा वो पूछ रही है क्या भाई आजकल आप कहाँ हैं, पहले 5 days a week आती थी, आजकल कम 2 days a week मैं वीकेंड कर रही हूँ। हाँ क्योंकि मेरी एक तो प्रोफेशनल मसरूफियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, दूसरी ये कि प्रोफेशनल के अलावा भी मैं प्रोफेशनल काम ही करती हूँ, होटल के साथ अटैच्ड हूँ। अच्छा, और ये भी है। हाँ तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम चला जाता है और वो बहुत ही शानदार काम है, मैं उसको बहुत प्रेफर करती हूँ। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह फिर वो 5 days a week मेरा शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई, ट्रेंड सेटर्स को इतने आराम से नहीं जाना चाहिए, उनको देख के तो बहुत लोग सीखते हैं। अच्छा तो मतलब आपने बताया कि आप किसी होटल के साथ एसोसिएट हो गए हैं, तो क्या आप उनके लिए नई रेसिपीज बनाते हैं? बिल्कुल, रेसिपी डेवलपमेंट में हूँ मैं, और प्लस ये कि हम एम्बियंस भी चेंज करते रहते हैं और बहुत सारे काम। उस दिन का जिस तरह कुजीन है उस तरह के एम्बियंस। exactly. क्या यार कितना इंटरेस्टिंग काम है। मैं अपने प्रोग्राम में भी ऐसे ही करती हूँ जो मेरा कुजीन होता है। ये बात है, वैसे बहुत पॉपुलर है मेरे प्रोग्राम। एग्जैक्टली, सारे प्रॉप्स उसके अकॉर्डिंग होते हैं, डेकोरेशन उसके अकॉर्डिंग। ट्रेंड डाला है मैंने। क्या बात है मैम, एक और हमारे पास कॉल मौजूद है, एक और कॉल है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हां जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? जी आप ही हबीब अहमद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी हबीब साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ही, आप सुनाए? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप ही, वो मैंने डॉक्टर बैठे हुए थे उनसे बात करनी थी। हाँ। तो डॉक्टर साहब तो चले गए, अब तो शेफ आ गए। हाँ। तो डायबिटीज का पूछना था। शेफ जो है वो भी हमारे लिए आए हुए यहाँ पे, आपके लोग, आपकी वजह से। आपने खाने रिलेटेड कुछ पूछना था तो फौरन पूछ ले। मैंने पूछा था, बड़े आप ही बैठे हुए, उनसे ये पूछा था कि मुझे तो 5-6 साल से शुगर है। हाँ। और मैं नाश्ते में सुबह जो ब्रेड, जो अंडे और ये मतलब के लेता हूँ, फिर जो शुगर का पेशेंट है उसके लिए बेस्ट नाश्ते में क्या चीज है? आप व्हाइट ब्रेड लेते हैं? आप व्हाइट ब्रेड लेते हैं सुबह में? नहीं, ब्रेड जो रेगुलर ब्रेड होती है, मिल्की ब्रेड। नहीं समझ नहीं आया। अच्छा जी चलिए, हम आपको बता रहे हैं। अच्छा सर, मेरे पोल का आंसर कीजिए, बताइए कि घर में मासी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मैंने पूछा था इसे कि और दोपहर में क्या लिया जाता है, और रात में क्या लिया जाता है। चले जी, हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। ठीक है, थैंक यू, आपकी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा है। थैंक यू, और इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू रखना आपने। हाँ जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अब हमारी दुआएं सब लाहौर वालों की आपके साथ है। क्या बात, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वेरी स्वीट कॉल। सुबह में वो मिल्क ब्रेड लेते हैं और उसके साथ 2 fried eggs, एंड ही इज नॉट श्योर कि उनको क्या लेना चाहिए ब्रेकफास्ट, ही इज डायबिटिक। ओके, मैं एक बात बहुत सिंपल सी कहूंगी कि हम लोगों ने नाश्ते को रिलेट कर दिया है, हालांकि मैं बड़ी वेस्टर्न कुकिंग और ये सारी चीज़ें करती हूँ, हर तरह का कुजीन पे काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हम क्योंकि पाकिस्तानी हैं, हम लोगों ने जो चीज़ें शुरू से खाई हैं हमें सेटिस्फेक्शन उससे होता है, उसी से मिलता है। आपको एनर्जी मिलेगी, हाँ। जो चीज़ मैं अभी बताने जा रही हूँ उससे आपको एनर्जी मिलेगी, आपको सेटिस्फेक्शन होगा, एंड प्लस ये कि वो आपको फ़ायदा देगी। ये भी है। आप कभी कभी नाश्ते में, जैसे ऑल 7 days आपने नाश्ते के लिए प्लान ऐसा कर लें कि एक दिन आप बेसन की रोटी बनाएं, ठीक है, और एक दिन आप मसाले वाली रोटी बनाएं, जिस मसाले वाली लगती है इन बेसन की रोटी में, बहुत मजे की लगती है। हाँ, उसके साथ आप तो बहुत होती है। और अच्छा, हाँ। बेसन की रोटी में थोड़ा सा आटा मिलाएं, ब्राउन आटा मिला लें। अच्छा, चक्की का आटा, जो चक्की का आटा, हाँ। होता है, या होल मील फ्लावर जिसे कहा जाता है, वो मिला लें। इसके अलावा आप उसमें जो हमारा रेगुलर आटा है या चक्की का आटा है, क्योंकि डायबिटीज है उन्हें, तो उसमें प्याज डालें, धनिया डालें, पुदीना डालें, हरी मिर्चें डालें, थोड़ा सा सॉल्ट उसमें ऐड करें, सारी चीज़ों को मिक्स करके वो गूंदें और उससे वो चपाती बनाएं। ओलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। जब पक जाए रोटी तो वो एक चमचा तेल का उसके ऊपर लगा लें, तो जैसे सुबह में होता है ना, कहीं पराठा सा मिल जाए, sort of पराठा, बट हाँ, बहुत ही कम तेल वाला। हाँ, बहुत कम, क्योंकि ओलिव ऑयल लोग ऐसा समझते हैं कि अगर हम ओलिव ऑयल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इसको बहुत ही दिल खोल के इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब ऐसा भी नहीं, नहीं ऐसा ऐसा मैंने देखा लोगों को। अच्छा, हाँ, मुझे मेरे साथ डिस्कशन भी हुआ, उनका भाई हम तो सुबह को पराठे जो हैं वो ओलिव ऑयल में बना के खाते हैं। अच्छा, एक पराठे से, आपके इस पराठे से मेरे जहन में बात है, हाँ, वो फ्रोजन फूड है ना, उसके हाँ, भी तो पराठे हैं, और मैंने देखा है लोगों को कि वो सुबह में बस वो फ्राई किया। आपको तो वो पता ही नहीं है, वो है बम।
उसने जो आपके अंदर जाके काम करना है ना, तो फिर आपने सेहत से कोई गिला शिकवा नहीं करना। ये सारी चीजें मेरी आंखों के सामने हाथों की हुई पता नहीं क्या कुछ है। तो मैं फूड से रिलेटेड काम करती हूँ। हाँ, वो मैदा भी होता है, उसमें जो मार्जरीन इस्तेमाल होती है बड़ा हार्ड मार्जरीन होता है, यानी कि आप उसको घंटों धूप में रखें टेस्ट करने के लिए, तो तब जाके वो थोड़ा सा मेल्ट होगा। हाँ, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बता देती हूँ। अगर अंडे की पाबंदी नहीं है तो अंडा खाएं, बॉयल खाएं या फ्राई, फ्राई भी करते हैं ना, तो उसके लिए एक बहुत ही थोड़े से फैट में उसको बनाएं। पैन अपना बहुत अच्छा गर्म करें। हाँ, जब आपका फ्राइंग पैन बहुत अच्छा गर्म हो जाए तब ज़रा सा उसमें ऑयल डालें और उसके बाद उसमें अंडा डालें, अदरवाइज वो अंडा सब बर्बाद हो जाएगा। अच्छा। हाँ, अगर कूल पैन में डालेंगे तो अंडा बर्बाद हो जाएगा। पर एक बात है, रोजाना आपको पता है हमारे घरों में फ्राई पैन होते हैं, उसके अंदर है तेल, वो अंडे का ही तेल है। ठीक है, रोजाना वो फ्राई पैन बस चूल्हे पे रखा, वो गर्म हुआ, उसमें अंडा बनाया, फ्राई पैन उठा के साइड पे, उस पे तेल है। अच्छा अच्छा, ओके। ये वाला काम तो करते नहीं कि पैन अलग से निकाला फिर तेल डाला फिर अंडा बनाया। असल में पता है क्या, अंडे के लिए आपको वो जो ऑलरेडी यूज हो गया है तेल, वो करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अंडे को हर दफा फ्रेश ऑयल चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल जरा सा चाहिए होता है, वो तो रखने का होता ही नहीं है। तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा दही की नमकीन लस्सी कैसे बनाएंगे, वो आप उसको बहुत अच्छा ब्लेंड करें, ब्लेंड 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 करते जाएं, ब्लेंड दही को ना ब्लेंड, थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड करें खूब सारा। इतनी देर ब्लेंड करेंगे कि जितना फैट है सारा ऊपर आ जाएगा। उसको ब्लेंड करने से फैट सारा ऊपर आ जाएगा। मक्खन खवाती नहीं करती थी, फिर मक्खन ऊपर आता। अब तो खैर अब इलेक्ट्रिक की मशीन है, तो उसे आप ब्लेंड करेंगे तो फैट आ जाएगा। फैट को हटा दें, बहुत थोड़ा सा मलाई कहते हैं। हाँ, वो हटा दें और आपके पास समझ लें वे वाटर बचेगा। हालांकि वे नहीं है वो, लेकिन वो दही है। हमने दही से उसको जस्ट लाइक वे वाटर, यानी उसको आप क्या कहेंगे, जो दूध से निकाली हुई लस्सी होती है जब हम मक्खन बनाते हैं, तो दैट इज वे, कच्ची लस्सी की फॉर्म कह दें। हाँ, वो उस टाइप की हो जाएगी। ओके। और उसमें बहुत थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करें और उस बेसन की रोटी के साथ या वो जो आपने बनाई है मसाले वाली रोटी उसके साथ आप खा सकते हैं, चाहे आप किसी वक्त भी पी सकते हैं। ऐसे कर ले, मजेदार नाश्ता, बता दिया सीधा सादा सा नाश्ता मजे का। और इसी बात पे हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद हम इनसे और बहुत सारे सवालात करेंगे, कुछ इनके बारे में पूछेंगे, कहीं मिल जाएगा। वेलकम राइट बैक।